और अब रुक करते हैं गोंडा का और बात करते हैं बाढ़ की। नेपाल के पहाड़ों पर होने वाली बारिश के बाद घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर हो गया है। ऐसी ही स्थिति में गोंडा के कई गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। ग्रामीण अपने मजबूर हो गए हैं। हालांकि प्रशासन संभव मदद मुहैया कराने की बात कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि सभी तरह के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। तहसील कर्नलगंज के ग्राम नकहरा है, इसके 9 मजरे हैं। ये 9 मजरे मैरून हो गए हैं, यानी इनके किनारे किनारे पानी आ गया है और कुछ घरों में भी पानी घुस गया है। तो ऐसे परिवारों को हम लोग अभी, चूंकि कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं, बंधे पाना शुरू कर दिए हैं, तो इनको तिरपाल भी बांटेंगे, इनको राशन सामग्री भी दिया जाएगा। और चूंकि आवागमन प्रभावित हो रहा है 9 मजरों का, इनके लिए 12 नावें भी लगा दी गई हैं ताकि लोग सुचारू से अपना काम कर सकें, अपने घर आ जा सकें या चारा वगैरह भी पशुओं का ले सकें। अरे दिक्कत, अब पानी भर गया तो सब गायों की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत, खाना बनाओ की दिक्कत, और आवे जाए की दिक्कत, सब गायों की दिक्कत। कैसा है पानी? अब आगे बरसात तब यहाँ बाढ़ आएगी घाघरा नदी में। प्रशासन ने कुछ व्यवस्था दिया आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं। कैसे रह जाएंगे? अब कैसे रहा जाता, जैसे रहा जाता तैसे हन बंधा पहन पल्लिता ने।